भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो मुस्लिम बहुल राज्य है। यहाँ लगभग 68 से 70% मुस्लिम आबादी रहती है, तो मतलब साफ है कि राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। दरअसल जस्टिस खेहर, जस्टिस डीआईवी चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अपना आदेश दर्ज कराते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र राज्य मिलकर अल्पसंख्यकों पर अपनी बात साफ करे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का समय दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अंकुर शर्मा के द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अंकुर शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर सरकार अल्पसंख्यकों के लिए मिल रहे करोड़ों रुपए की राशि मुसलमानों पर खर्च कर रही है, जो कि राज्य में बहुसंख्यक हैं। लेकिन पीआईएल में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की पहचान भी नहीं की है। राज्य सरकार के मुताबिक कानून व्यवस्था सही तरीके से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर राज्य को इस तरह के निर्देश नहीं दे सकता। अब ये देखना होगा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मामले से निकलकर जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे और बिना भेदभाव के मिल रही धनराशि का उपयोग करे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।